हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने नर्सिंग स्पॉट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आज अपने पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटल एरिया या फिर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल 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 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट वन प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लास्ट वन क्लासेस के अंदर देखा होगा आपने इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, किसके, ठीक है, वेजाइना के बारे में, यूट्रस के बारे में, फेलोपियन ट्यूब के बारे में और ओवरी के बारे में। आज देख रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, इसके अंदर फर्स्ट वन स्टडी करेंगे मॉन्स प्यूबिस। किसकी? मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, किसकी स्टडी करेंगे? मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या है? इट इज द ट्रायंगुलर एरिया है। क्या है? इट इज द ट्रायंगुलर एरिया, इट इज द ट्रायंगुलर एरिया। कैसा है? ट्रायंगुलर एरिया, कैसा है? ट्रायंगुलर एरिया है। ठीक है, एंड अबो द क्लिटोरिस, कहां पे है? अबो द क्लिटोरिस, अबो द क्लिटोरिस, क्लिटोरिस के ऊपर होता है। ठीक है, क्लिटोरिस के ऊपर होता है। ठीक है, अबो द क्लिटोरिस, ठीक है, अबो द क्लिटोरिस, अबो द क्लिटोरिस, ठीक है, क्लिटोरिस, अबो द क्लिटोरिस। ठीक है, एंड और क्या है? डेवलप फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस इज कॉल्ड एज द ट्यूबरकी। डेवलप होना मॉन्स प्यूबिस का वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप द मॉन्स प्यूबिस कॉल्ड प्यूबरकी, कॉल्ड प्यूबरकी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गन है कौन सा? मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? एक प्रकार का ट्रायंगुलर एरिया। कैसा है? एक प्रकार का ट्रायंगल एरिया। कैसा है? ऐसा एक प्रकार का ट्रायंगल एरिया है। और यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? हेयरी फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयरी फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? क्लिटोरिस से उसके क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लिटोरिस के ऊपर की तरफ होता है। और जो मॉन्स प्यूबिस के डेवलप होना उसे क्या कहते हैं? ट्यूबरकी। क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस का डेवलप होना उसे क्या कहा जाता है? ट्यूबरकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉन्स प्यूबिस डेवलपमेंट ऑफ द मॉन्स प्यूबिस कॉल्ड इज द ट्यूबरकी। ठीक है, क्या कहलाता है? मॉन्स प्यूबिस का डेवलप होना क्या कहलाता है? ट्यूबरकी। और मॉन्स प्यूबिस क्या है? एक प्रकार का ट्रायंगुलर एरिया है। ट्रायंगुलर मीन्स कैसा? त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर एरिया होता है। उसके ऊपर क्या होते हैं? हेयरी फॉलिकल्स होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं। ठीक है, उसमें हेयर ग्रो होते हैं। दूसरा वन है क्लिटोरिस, क्लिटोरिस। दूसरा कौन सा है? क्लिटोरिस। इसमें क्या है? दिस इज द इरेक्टाइल बॉडी। क्या है? दिस इज द इरेक्टाइल बॉडी, दिस इज द दिस इज द इरेक्टाइल बॉडी। क्या है? एक प्रकार दिस इज द इरेक्टाइल बॉडी है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? मॉन्स प्यूबिस एंड अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, क्या है? बिलो द मॉन्स प्यूबिस, किसके नीचे है? बिलो द मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ क्या है? क्लिटोरिस। ठीक है, एंड अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, कहां है? अबो द यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ, अबो द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके ऊपर की तरफ होता है क्लिटोरिस। ठीक है, ये होमोलोगस किसके होता है? ग्लांस पेनिस ऑफ द मेल। ठीक है, होमोलोगस टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस ऑफ द मेल। ठीक है, मेल का जो ग्लांस पेनिस होता है उसके क्या होता है? ये होमोलोगस होता है। किसके? ग्लांस पेनिस ऑफ द मेल इज द होमोलोगस है। ठीक है, और क्या है? एक प्रकार का इरेक्टाइल बॉडी है। ठीक है, कैसा है? इरेक्टाइल है। ठीक है, इरेक्टाइल कराता है। और कहां पे है? मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ मॉन्स प्यूबिस होता है। और यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके क्या होता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के अबो, मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, क्लिटोरिस। ठीक है, इसका ओनली मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है? ये क्या कराता है?
ये मेनली क्या कराता है क्लिटोरिस, ये अपने सेक्सुअल स्टिमुलेशन इन फीमेल क्या कराता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन कराता है फीमेल के अंदर, सेक्सुअल स्टिमुलेशन ऑफ फीमेल, ठीक है। ये क्या करता है फीमेल के अंदर सेक्सुअल स्टिमुलेशन कराने का ओनली फॉर काम करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इसका हेल्प है, क्या क्लाइटोरिस ओनली फॉर क्या करता है फीमेल के अंदर सेक्सुअल स्टिमुलेट कराने के लिए ओनली फॉर हेल्पफुल होता है क्लाइटोरिस, ठीक है, ओनली हेल्पफुल होता है क्लाइटोरिस, बाकी इसका कोई हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वन एक्सटर्नल ऑर्गन पड़ा मांस पीपिस, दूसरा पड़ा क्लाइटोरिस। मांस पीपिस क्या है, एक प्रकार का ट्रायंगुलर एरिया है, ठीक है, क्या है ट्रायंगुलर एरिया होता है, ठीक है, अबोव द क्लाइटोरिस, किस क्लाइटोरिस के ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, डेवलप होता है। मांस पीपिस का डेवलप होना क्या कहलाता है, पुबार्की कहलाता है, ठीक है। क्लाइटोरिस इसके दूसरा वन ऑर्गन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा दूसरा वन ऑर्गन है क्लाइटोरिस, ठीक है। दिस इज द इरेक्टाइल बॉडी, क्या कराता है इरेक्टाइल कराता है बॉडी को, बिलो द मांस पीपिस, मांस पीपिस के नीचे की तरफ होता है, अब होता है यूरेथ्रा ओपनिंग, यूरेथ्रा ओपनिंग के ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। होमोलोगस टू ग्लैंड्स फेलो मेन, मेन मेल के अंदर जो ग्लैंड्स पेनिस होती है उसके क्या होता है होमोलोगस होता है, और ये क्या कराता है फीमेल के अंदर सेक्सुअल स्टिमुलेशन का काम करता है, ओनली फॉर क्या करता है सेक्सुअल स्टिमुलेशन का काम करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तीसरा वन है लेबिया मेजोरा, थर्ड वन कौन सा है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा, इट इज द आउटर मोस्ट बॉर्डर होता है, कौन सा होता है, इट इज द आउटर बॉर्डर होता है, कौन सा होता है स्किन फोल्ड होता है, इट इज स्किन फोल्ड इन विच फ्रॉम आउटर बॉर्डर, ठीक है, स्किन फोल्ड एंड आउटर मोस्ट बॉर्डर होते हैं, ठीक है, कौन सा होता है आउटर मोस्ट बॉर्डर होता है स्किन लेबिया मेजोरा, ठीक है। और क्या करता है सरफेस कंटेनिंग, इसमें इसके अंदर क्या होती है सीबीसीएस ग्लैंड होती है, ठीक है, और कीप मोस्ट करता है, इसके अंदर क्या होती है सीबीसीएस, ठीक है, जो क्या रखता है किप्ट मॉइस, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है सीबीसीएस ग्लैंड होती है जो क्या करती है जो उसको क्या करती है वेजाइना का वगैरह उसको जो एरिया उसको क्या करके रखती है, ठीक है, उसको क्या करके रखती है उसको मॉइस करके रखती है, क्या वल्वा, ठीक है, बाहर का जो भी वल्व पूरा जैसे पूरे एक्सटर्नल एरिया को क्या बोलते हैं वल्वा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं VULVA वल्वा, उसे क्या बोलते हैं, तो क्या करता है ये वल्वा को क्या करता है मॉइस करके रखता है, क्या करके रखता है वल्वा को मॉइस करके रखता है, कौन अपने लेबिया मेजोरा, ठीक है, स्किन फोल्ड होता है, ठीक है, आउटर बॉर्डर होती है, इसमें के अंदर क्या होता है सीबीसीएस ग्लैंड होती है, और क्या होते हैं ईयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईयर क्या होते हैं ईयर ग्रो करते हैं, ईयर प्रेजेंट होते हैं लेबिया मेजोरा के यहां पे। थर्ड वन टाइप है, फोर्थ वन टाइप है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा क्या है टू स्किन फोल्ड बीच बिलो द लेबिया मेजोरा, ठीक, क्या है ये भी क्या है टू स्किन फोल्ड बिलो द लेबिया मेजोरा, ठीक है, ये लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ होता है बिलो, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होता है लेबिया माइनोरा होता है, ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है लेबिया माइनोरा, इसके अंदर भी क्या सीबीसीएस ग्लैंड होती है और वेस्टिबुल्स, ठीक है, और बाउंड्री पर क्या होता है इसके अंदर पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस लेबिया माइनर मीट एंड, ठीक है, इसमें क्या होता है पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस के वहां पे जो लेबिया माइनोरा मिलता है वहां पे उसे क्या कहते हैं फोरसेट कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है उसे बोलते हैं फोरसेट, उसे क्या बोला जाता है फोरसेट, ठीक है, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर जहां पे ये मिलते हैं उसे क्या कहते हैं फोरसेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फोरसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे क्या बोला जाता है फोरसेट, ठीक है। तो ये है थर्ड वन के लेबिया मेजोरा, ठीक है, क्या है दो स्किन फोल्ड की तरफ होता है, कैसा होता है दो स्किन फोल्ड की तरफ, ठीक है, इसके अंदर एयर ग्रो करते हैं, ठीक है, क्या होता है और यहाँ पे क्या होती है इसके यहाँ पे सीबीसीएस ग्लैंड होती है जो ये पूरा का पूरा वल्वा को क्या करती है मॉइस्ट करके रखती है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है, अंदर की तरफ लेयर कौन सी होती है लेबिया माइनोरा, ये भी दो स्किन फोल्ड की होती है और इसके अंदर भी सीबीसीएस ग्लैंड वगैरह होती है और जो ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ और इंफीरियर यहाँ पे मिलती है यहाँ पे उसे क्या कहते हैं फोरसेट कहते हैं, ठीक है, तो ये है लेबिया माइनोरा, ठीक है। इसके बाद में एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो है वेस्टिबुल्स, कौन सा आता है वेस्टिबुल्स, वेस्टिबुल्स, ठीक है, वेस्टिबुल्स, इसमें क्या होता है इसके अंदर दो ओपनिंग होती है, फर्स्ट वन होती है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक होती है विजेरल ओपनिंग वेस्टिबुल्स के अंदर, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग
फर्स्ट वन कौन सी है, यूरेथ्रल ओपनिंग, कौन सी होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग। इसमें क्या होता है, इट इज जस्ट बिलो द क्लाइटोरिस। ये यूरेथ्रल ओपनिंग कहां होती है, क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे, क्लाइटोरिस जस्ट बिलो, ठीक है, क्लाइटोरिस के नीचे की तरफ क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है। और यूरेथ्रल फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, कितना होता है, यूरेथ्रल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है, फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है 4 सेंटीमीटर। इसलिए रिस्क होता है, बहुत शॉर्ट होता है, रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन होने का क्या होता है, रिस्क होता है, खतरा रहता है, ठीक है। दूसरी ओपनिंग होती है जिसका नाम है वेजाइनल ओपनिंग। वेजिटेबल्स की दूसरी कौन सी होती है, वेजाइनल ओपनिंग। दूसरी ओपनिंग कौन सी होती है, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, कौन सी होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। जस्ट बिलो द कहां पे होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, जस्ट बिलो, बिलो द यूरेथ्रल ओपनिंग, बिलो यूरेथ्रल ओपनिंग, बिलो यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, बिलो द यूरेथ्रल ओपनिंग, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके नीचे की तरफ क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। और जो ओपनिंग का एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रोटस कहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, इंट्रोटस, इंट्रोटस, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, इंट्रोटस बोला जाता है, जो ओपनिंग होती है, ठीक है। और एक मेम्ब्रेन होती है हाइमेन, उसे क्या कहते हैं, इंडिकेटर ऑफ फीमेल वर्जिनिटी, ठीक है। और वेजाइना के यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या कहते हैं, हाइमेन, ठीक है। और वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है फीमेल इज द वर्जिनिटी, फीमेल वर्जिनिटी का इंडिकेट करती है, ठीक है, इंडिकेट फीमेल वर्जिनिटी, ठीक है, फीमेल वर्जिनिटी का क्या करता है, इंडिकेट करती है, ठीक है। वो क्या करती है, फीमेल वर्जिनिटी का क्या करती है, इंडिकेट करती है, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजिटेबल्स के अंदर दो ओपनिंग होगी, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जस्ट क्लाइटोरिस नीचे होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग क्लाइटोरिस के नीचे जस्ट क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और रिस्क होता है यूरेथ्रेटिक इन्फेक्शन का। वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, बिलो द यूरेथ्रा ओपनिंग के नीचे की तरफ होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इंडिकेट करती है फीमेल वर्जिनिटी की, ठीक है। ये था वेजिटेबल। इसके बाद में एक आती है बार्थोलिन ग्लैंड और स्किनियस ग्लैंड, ठीक है, दो ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, बार्थोलिन ग्लैंड एंड स्किनियस ग्लैंड, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, कौन सी है, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्या है, पियर शेप के अंदर होती है, 2 in number के अंदर होती है, कैसे होती है, पियर शेप के अंदर, पियर शेप के अंदर होती है, 2 in number होती है, एक्सोक्राइन होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, कैसी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, 2 in number होती है, ठीक है। और एल्केलाइन रिएक्शन करती है, कैसी एल्केलाइन रिएक्शन करती है, और यह क्या करते हैं, सीक्रेट एल्केलाइन सीक्रेशन, टाइम ऑफ इंटरकोशन वेजाइना ओपनिंग है ना, लुब्रिकेट वेजाइना, ठीक है, यह क्या करती है, लुब्रिकेशन करती है वेजाइना को, ठीक है, क्या कराती है, लुब्रिकेशन कराती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है, जब इंटरकोर्स करते हैं तो लुब्रिकेट करता है बार्थोलिन किसको, वेजाइना को, वेजाइना को क्या करता है, लुब्रिकेट ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ऑफ द वेजाइना, ठीक है, क्या करता है, वेजाइना को लुब्रिकेट करके रखती है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। होमोलोगस किसके होती है, ये कॉपर ग्लैंड, ठीक है, गल्गो यूरेथ्रा ग्लैंड, होमोलोगस टू कॉपर ग्लैंड, ठीक है, कॉपर ग्लैंड जो मेल के अंदर होती है, कॉपर ग्लैंड उसके अंदर क्या करती है, ये होमोलोगस होती है, कॉपर ग्लैंड होमोलोगस, होमोलोगस टू कॉपर ग्लैंड, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस टू कॉपर, ठीक है। दूसरी वन एक ग्लैंड है जिसका नाम है स्किनियस ग्लैंड, ठीक है, दो ग्लैंड देखिए, दूसरी ग्लैंड है जिसका नाम है स्किनियस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है, स्किनियस ग्लैंड, स्किनियस ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है, ये भी पेरियूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, लेजर 2 number के अंदर होती है, ठीक है, पियर शेप के अंदर होती है, ये भी कैसी होती है, पियर शेप के अंदर होती है, 2 in number होती है, ठीक है, 2 number की होती है, पियर 2 number के अंदर, ये भी क्या करता है, एल्केलाइन सीक्रेशन कराती है, क्या कराती है, एल्केलाइन सीक्रेशन कराती है, स्किनियस ग्लैंड, ठीक है। तो ये था अपना एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं इसको डायग्राम बना के आपको थोड़ा दिखाता हूं कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर हो गया, ये क्या हो गया आपका मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, ये क्या हो गया
मॉन्स प्यूबिस, ये क्या है, ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस है, और मॉन्स मॉन्स प्यूबिस के नीचे क्या है, क्लाइटोरिस है, क्या है, क्लाइटोरिस है, ठीक है। और ये हो गया जो बाहर की स्किन दिखाई दे रही है, ये क्या है, लेबिया मेजोरा, ये क्या है, लेबिया मेजोरा है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो दे रहे हैं, ये क्या है, लेबिया माइनोरा, ये क्या है, लेबिया माइनोरा है, और ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग जस्ट बिलो द क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, क्लाइटोरिस के नीचे, ये क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के नीचे क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। और यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे क्या है, वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे क्या है, जस्ट वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। और वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे जो ये है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जहां पे ट्रायंगुलर है, यहाँ पे नीचे पोस्टीरियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फोरचिट, इसे क्या बोलते हैं, फोरचिट, ठीक है। ये हो गया आपका एनएस हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होती है, सीबीसीस ग्लैंड होती है, ठीक है। और क्या होता है, इस पे हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। और क्या होती है, सीबीसीस ग्लैंड होती है, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड दो इस यहां नंबर पे बार्थोलिन ग्लैंड होती है, जो क्या करती है, और इसे पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्वा। इस पूरे का पूरे एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को क्या बोला जाता है, वल्वा बोला जाता है, ठीक है। पूरे के पूरे एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को क्या बोला जाता है, वल्वा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटल एरिया का डायग्राम, ठीक है। ये क्या, इसके ऑर्गन कौन कौन से, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखा मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, ट्रायंगुलर एरिया होता है ऊपर की तरफ, इसके नीचे होता है क्लाइटोरिस, इसके बारे में स्टडी किया। इसके बारे में आउटर मोस्ट लेयर होती है कौन सी, लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसके बाद में इनर की तरफ दो फोल्ड के अंदर लेयर होती है जिसका नाम है लेबिया माइनोरा। इसके बाद में पूरे के पूरे वेजिटेबल्स ओपनिंग, वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स के अंदर क्या होते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये ऊपर की तरफ यूरेथ्रल, क्लाइटोरिस के नीचे इसके क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे जस्ट वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इंट्रोटस, ठीक है। जो ओपनिंग होती है इसको क्या कहते हैं, इंट्रोटस कहते हैं। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है वेजाइना के, आप वेजाइना के ऊपर एक मेम्ब्रेन जिसे हाइमेन कहते हैं, और वो किसका टैग है, वर्जिनिटी का, फीमेल वर्जिनिटी का टैग है हाइमेन, ठीक है। इसके बाद में ये एक्सरसाइज करने में, साइकिल चलाने में कभी कभी क्या होती है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। और ये है एनएस है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ द फीमेल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, बताएं। अपने नर्सिंग स्पेशलिस्ट से जुड़ रहे, थैंक यू सो मच।